শুরু হচ্ছে ভারত পাকিস্তান লড়াই। এবারে এশিয়া কাপের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত লড়াই কোনটি? সবাই এক বাক্যে বলবেন ভারত পাকিস্তানের ম্যাচ। শুধু এশিয়া কাপ কেন, যে কোনো টুর্নামেন্টেই তো এই চির প্রতিদ্বন্দ্বীর মহারণ দেখতে মুখিয়ে থাকেন ক্রিকেট প্রেমীদের সবাই। টুর্নামেন্ট ছাড়া যে দুই দলের দেখাও পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে সেই 2012 সাল থেকে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলে না দুই প্রতিবেশী দেশ। সমর্থকদের তাই চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকতে হয় বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের দিকে। এশিয়ার দুই পরাশক্তির সেই বহুল আকাঙ্ক্ষিত লড়াই মাঠে গড়াচ্ছে আজ। ভালো সময় রাত 8টায় দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে হাই ভোল্টেজ ম্যাচটি। টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত 9 বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত পাকিস্তান, সেখানে 7 বারই জিতেছে ভারত, 2 বার জয় পেয়েছে পাকিস্তান। আর এশিয়া কাপের মঞ্চে মোট 15 বার মুখোমুখি হয় ভারত পাকিস্তান, তাতেও জয়ের পাল্লা ভারী ভারতেরই, 8 বার জিতেছে ভারত, পাকিস্তানের জয়ে 5 বার, 2টি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। 2016 সালের এশিয়া কাপ হয়েছিল টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে, ওই আসরে ভারত 5 উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তানকে। তবে দুই দলের সবশেষ লড়াইয়ে ভারতকে স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তান। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতকে 10 উইকেটে হারের লজ্জা দেয় চির প্রতিদ্বন্দ্বীরা, যেটি আবার ছিল বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের প্রথম জয়। তাই সাম্প্রতিক ফর্ম আর অতীত রেকর্ড দুটোই আমলে নিলে এবার কোনো দলকেই এগিয়ে রাখার উপায় নেই। বরং ভারত পাকিস্তান ম্যাচের আগে যেটা নিয়ে আলোচনা থাকে বরাবরের মতো, সেই চাপ নিয়েই আলোচনাটা বেশি। যেহেতু মর্যাদার লড়াই, চাপ থাকবেই, অস্বীকার করলেন না ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তিনি বলেন, आई थिंक ये बाहर मतलब आप लोगों के लिए अनयूजुअल होगा, हमारे लिए अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि हम हमेशा इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं ये चीज़। और जब भी हम ग्राउंड पे जाते हैं, फैंस, क्रिकेट के फैंस जितने भी है आते हैं गेम देखने के लिए, उनको क्रिकेट, उनको गेम देखना है, एट द सेम टाइम उनको प्लेयर्स को मिलना है, प्लेयर्स को देखना है। तो ये बहुत से लड़कों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, टीम में हमारे कुछ नए लड़के हैं, उन्होंने शायद नहीं किया होगा, बट उनके लिए हो सकता है ये अनयूजुअल हो, बट बहुत से लोगों के लिए अनयूजुअल नहीं है ये, क्योंकि हम ये हमेशा देखते आ रहे हैं। और ये मिलना जुलना जो होता है ये नॉर्मल है, और ये हर टूर्नामेंट में, हर मैचेस के पहले टीम साथ में प्रैक्टिस करती है, तो ये मिलना जुलना होता रहता है। और जहाँ तक राइवलरी की सवाल है, दोनों अच्छे टीम है, आप आमने सामने खेलेंगे, अच्छा क्वालिटी मैच तो होगा ही, और उसके बारे में चर्चा होगी, बट आई एम श्योर कि दोनों टीम के लिए ये एक जस्ट मैच है जो दोनों टीम कोशिश करेगी जीतने के लिए। तो हमारे लिए भी, हमारा फोकस भी यही है कि बाहर से हाइप आप लोग बनाइए, बट अंदर से हम हमारा काम करेंगे, फोकस करेंगे गेम के ऊपर और खेलने की, अच्छा खेलने। रोहित सुरे कथा बोलेছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा मेरे ख्याल से इस चीज़ का वेट किया जाता है, पूरी दुनिया इसको इन्जॉय करती है। मेन चीज़ ये कि लोग क्रिकेट को इन्जॉय करते हैं, और हम भी एज अ प्लेयर, एज अ टीम इन्जॉय करते हैं कि जितना अच्छा ऑन द डे हम क्रिकेट खेलें, लोगों को ये है कि हैप्पी करें अपनी परफॉर्मेंस के साथ। सर, कोई चीज़ आसान नहीं होती, हर चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन उसको अचीव करना आप पे होता है कि वो आपने कैसे उस चीज़ को अचीव करना है और कैसे उस चीज़ को आपने ओवरकम करना है। बिल्कुल, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, और उसके साथ आपने कैसे कम्पीट करना है, कैसे परफॉर्म करना है, डिफरेंट कंडीशंस में जाके कैसे परफॉर्म करना है, वो माइंडसेट और बिलीव है। और जितना आप अपने आप पे बिलीव रखेंगे, अप एंड डाउन देखें, ये क्रिकेट है, ये चलते रहेंगे, ये नहीं कि आप सीधा चलते रहेंगे, अप एंड डाउन आते रहेंगे, उसमें आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं वो आप पे। और मेरे ख्याल से अपने आप, अपनी गेम पे जितना बिलीव रखेंगे उतना अच्छा।